हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आया हूँ पहाड़ों की हसीन वादियों के बीच। बता दूं, अभी मैं जा रहा हूँ सुरकंठा देवी मंदिर। अभी हम फर क्लफ में हैं और यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ मैगी खाने के लिए। अंकल मैगी बना रहे मेरे लिए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ देहरादून मसूरी बस स्टैंड। बस ने मेरे को उतारा यहाँ पे ना 6 बजे की बस आती है मॉर्निंग में, बट 6 बजे की मुझे बस नहीं मिली। एक स्कूटी बुक करी और स्कूटी से मैं अब जा रहा हूँ सुरकुंडा देवी मंदिर। तो फ्रेंड्स, अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे हमने प्रसाद ले लिया है और हम अपनी यात्रा ऊपर स्टार्ट करते हैं। हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये सुरकुंडा देवी का मेन एंट्रेंस जहाँ पे ये सुरकुंडा देवी की जो ट्रॉली है वो यहाँ से जाती है ऊपर की तरफ। अभी हम ट्रॉली से नहीं जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छा पैदल चलना होता है माता के पास, माता के शरण में। जब तक कष्ट ना हो तो यात्रा यात्रा नहीं कह जाती। और आप देख सकते हैं इसके टायर कैसे चल रहे हैं। और हमें हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ टॉप पर, माँ सुरकंडा वहाँ पर विराजमान है। हमें ऊपर जाना है और हसीन वादियाँ हैं चारों तरफ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप भी लगी हुई है बट हमें फील नहीं हो रहा धूप का। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ से सुंदर नज़ारा। फाइनली गाइज, हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच चुके हैं। और ये जो सामने है हमारी डेस्टिनेशन, यहाँ से हमने ऊपर जाना है। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं ऊपर की तरफ। जय माँ सुरकुंडा। Thank you.
पकड़े थे ना फोन, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। इधर आ जाओ पहले तुम यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आए हुए हैं सुरकंडा देवी मंदिर, और मेरे पीछे आपको सुरकंडा देवी मंदिर, भव्य मंदिर दिख रहा होगा। ये एक सिद्ध पीठ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने दर्शक श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर ट्रोली सर्विस भी है आपकी, नीचे ट्रोली चल रही है जैसे कि आप देख सकते हो। और नीचे कितना तगड़ा व्यू है। अलग अलग पोजों में लोग फोटो शूट कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत नजारा है मेरे पीछे। हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने एक टावर, ये कोई छोटा मोटा टावर नहीं है। इससे यहाँ की मौसम की जानकारी प्राप्त करी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहीं से ही मौसम का हाल देखा जाता है। इसके कई उत्तराखंड में काफ़ी जगह इसके प्लांट्स हैं, जैसे कि आपके लेंसिडॉन में भी है एक, और अलग अलग जगहों पर है जहाँ से मौसम की जानकारी प्राप्त करी जाती है। और यहाँ पर इसके लिए ही ऊपर ही सेवा है, तो आप ऊपर से भी प्रसाद ले सकते हैं। और मंदिर का बैक साइड वाला पोर्शन, तो आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन ही कितना अच्छा है।